ये चुनावी जनसभा है और इस चुनाव में हम आप लोगों के बीच आए अपील करने कि ये जो चुनाव है ये किसी व्यक्ति के जिताने का चुनाव नहीं, ये किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने के लिए नहीं है, लेकिन ये तो चुनाव है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सत्य और झूठ की है, न्याय और अन्याय की है, गरीब और अमीर की है। आप लोगों को तय करना होगा इस चुनाव में कि हमारा देश बचेगा या फिर से अंग्रेजों के गुलाम के पास और नागपुरिया का जो कानून को लागू करना चाहते हैं उनके हाथों में आएगा। ये लोग कौन है सत्ता में बैठे हुए लोग, जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, देश इतिहास अगर उठा कर देखोगे तो उनका देश नजारे में कोई योगदान नहीं। आप लोग देखिए क्या स्थिति में दिखती जा रही, आप लोगों को पिछला चुनाव में ठगा गया कि नहीं ठगा गया, वादा किया था कि नहीं किया था कि 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल आप लोगों को दिया जाएगा नौजवान भाइयों को, लेकिन आज रोजगार पे कोई चर्चा नहीं होती, मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होती, खाली मोदी जी पे चर्चा होती, चौकीदार चाय वाला, चौकीदार चाय वाला। अरे मोदी पे नहीं, मुद्दे पे हारिए, मुद्दे पे बात कीजिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, हमारा देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, गरीबी मिटी है कि नहीं मिटी है, किसानों का समस्या हल हुआ है कि नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये इस बात पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, मोदी जी ने जो बिहार की बोली लगाई थी पिछले चुनाव में, बोलते थे 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, 80,000 करोड़ दू की 90,000 करोड़ दू, लोग 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया बिहार को, कहा मिला बिहार को कुछ पैकेज, ये कहते बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला। आज आप देख लीजिए, आप आकलन कीजिए कि सरकार ने आपके लिए हित के लिए काम किया है या नोटबंदी से लेकर के जितना चीज था, चौकीदारी कैसी की, मोदी जी कहते चौकीदार है, ललित मोदी भाग गए पैसा लेके बैंकों को खाली कराने, नीरव मोदी भागे, मेहू चौकसी भागे, विजय माल्या भागे, अब होते मैं हूं चौकीदार। हम तो इतना कहना चाहते हैं उनको, मोदी जी आप अपने आप को भले ही चौकीदार खुद कहो, लेकिन देश की जनता जान लीजिए, देश की जनता थानेदार है, बिहार की जनता थानेदार है, अगर चौकीदार ने गलती की है तो थानेदार सजा देने का काम करेगा, छोड़ेगा नहीं, आप थानेदार हो। और ये चौकीदारी सब अरबों करोड़ रुपए लेके भागे, विदेश भागे, और चौकीदार सोते रहे। हम इतना कहना चाहते हैं कि सब एक ही मोदी जी के बिरादरी का है भारत, सब मोदी के बिरादरी का भारत, और आप बात समझिए, आप लोग सब जानते हैं कि लालू जी को जेल क्यों भेजा, ये लोग जानते थे कि लालू जी अगर बाहर आएंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारा संविधान आरक्षण के साथ छेड़ता था, ये लोग जानते थे लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी दंगाइयों में हिम्मत नहीं होगी कि दंगा फसाद करा सके, भाई भाई में लड़ा सके, ये हमारे तो पलटू कैसे पलट गए, तो धोखा दे दिया, ये धोखा लालू जी को तेजस्वी को आरजेडी को नहीं है, ये धोखा हर बिहार के वासियों को है, 12 करोड़ जनता को है। आप बताओ जिसको जनता ने नकार दिया उसको चोर करवा दिया, उसको सरकार ने लिया, हमारे चाचा के ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है, उनका बस 2 चीज है, खाली कुर्सी में रहना, लालच इतना ज्यादा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है, वरना बिहार का इतिहास देख लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, कौन सा ऐसा राज है
जहां चार साल में चार सरकारें बनी हो, जब चार साल में चार सरकारें बनेंगी तो विकास कैसे संभव। चाहते का तो ध्यान उन्हीं के ऊपर, अगर यही ध्यान अगर जनता पर लगा देते तो आज भला हो जाता। कभी अपना, कभी उनका, इसके साथ कभी उसके साथ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा लिया। इन्होंने क्या बोला था? यही ना बोला था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए, भाजपा में तो मिल गए, अब मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। इन्होंने ठगा है, धोखा दिया है। आज जो स्थिति बनी हुई है देश में, आप लोग जानते हैं, निराशा ही निराशा, हर कोई निराश है। चाहे नौजवान, चाहे किसान हो, हर विराश। आप देखिएगा, मजदूर बचा, ये चाचा हमारे एक ही काम क्या किए, शराब बंदी करा दी। ठीक है, नशा मुक्त होना चाहिए। हम तो कहते नशा मुक्त पर बिहार क्या भारत में हो, लेकिन आप बताओ शराब बंदी चालू है कि नहीं? चालू है ना? होम डिलीवरी हो, होम डिलीवरी 200 रुपए का पहले जो बढ़ती मिलता था 1500 में मिल रहा है ना। और बाकी सोचिए माफियाओं से सेटिंग कर रखे ना चाचा, जान मुझे के बंद करा था कि महंगा बिकेगा। आप बता तो 200 रुपए का होटल मिल रहा है 1500 में मिल रहा है, तो फायदा हो रहा है ना कंपनी को, बाजार बना लिया है। अब बाहर से आ रहा तो जब नीतीश जी इतना बड़ा फायदा पहुंचा है तो नीतीश जी को भी तो फायदा दे रहा है। ये सारा खाता में जा रहा हूँ उनके, RCP टैक्स, आप बताइए। गरीबे को जेल दे दे, अधिकारी बड़ा बड़ा लोग अमीर पी रहा था, होम डिलीवरी करा है, गरीब को जेल भेज रहे, तार का पेट पे चढ़ जाते तो कौन पकड़ लेगा? तारी पीएगा मामा पे उस पर ही की बनी हुई। आप समझे कि तीर जी ने एक और बंदी करा दी, बालू बंदी करा दी। आप बताओ जो गरीब मजदूर जो है उसको रोजगार कहां से मिलेगा? भूखे बच्चा जो बड़ा है, घर वाले लोग इतने दिनों भूखे बने हैं, इसका खामियाजा कौन देगा? क्यों ऐसा किया गया? आप बताइए, बालू पहले सस्ता था, हाँ या ना? अब महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पश्चिम अफ्रीका कौन है? अरे महंगा मिल रहा है, आप तो पश्चिम अफ्रीका कौन है ना भाई? पहले तो सस्ता मिलता था। तो आप जो समझिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मारने का काम किया, तो ज्यादा हम कुछ देखेंगे। आज हम लोगों के ऊपर मुकदमा है, साजिश है, पूरे परिवार के लोगों पे केस मुनका करा रखा है। ये लोग सोचते थे कि लालू जी डर देंगे जेल जाने के बाद, लेकिन ये लोग भूल गए कि इनके गीदड़ भक्ति से लालू जी डरने वाले नहीं, वो जेल है। तो जे लालू जी जो नहीं डर रहे भाई, जेल ना करके अब क्या करोगे तुम? सोचते कि बाल बच्चा पे किस मुकदमा करोगे, बाल बच्चा पे मुकदमा होगा तो लोग पड़ा सहमेगा। लेकिन अगर मेरे मन में लालच होता, लालू जी के मन में लालच होता, अगर आपकी लड़ाई को नहीं लड़ना होता लालच होता, तो हम भी भाजपा से हाथ मिला लेते, आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, लालू जी का सारा केस मुकदमा खत्म हो जाता। क्योंकि भाजपा में चले जाइए तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाते ना, उसके खिलाफ लड़ोगे तो आप जेल जाओगे, भ्रष्टाचारी हो जाओगे, है कि नहीं? चाचा जी श्रीधर घोटाला किया ना, पलटी मारे ना, डर गए ना, तो डरपोक थे, समझौता किया उन्होंने विचार कर लिया। आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह का केस चल रहा है, उनपे पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई का जांच कर दिया। लेकिन राजा बन के है कि नहीं है हरिश्चंद्र? क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं थे तो DNA खराब था, है ना? केस मुकदमा से तो हम लोग सोचिए, आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं लालू जी, आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कोई सवाल ही नहीं है
कि आपके विचारधारा आपके सिद्धांत अपनी नीति से समझौता कर सके और आपकी लड़ाई को हम छोड़ दे। लालू जी चाहते तो सारे जो समस्या है सबको खत्म करा देते अपने ऊपर बुलाई, लेकिन नहीं, सबकी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अपने और उनके परिवार पे कितनों समस्या है इसकी फिक्र नहीं है। आप जाने हम पे 35 मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी सात बहन सातों बहनों पे मुकदमा, मेरे सात बहनों की शादी होंगे तो सात जीजा है तो उन पे मुकदमा, जब सात बहने हैं तो शादी हो गई तो आप समझे संधि और संबंधो है, तो सात से अगर हिसाब की जगह तो समझे समझ 14 हुए कि नहीं हुए, उन पे भी मुकदमा, उनके संधि और संबंध के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा, और हमारे पिता को तो जेल भेजा हो, तो आप समझे हमारा क्या अपराध, मेरा क्या था, हमको तो इसी का पता कि मुखिया जी को एक बहाना मिल रहा है भाजपा में जाने का, नहीं तो जनता के बीच क्या जाके बोलेंगे। अब केस मुकदमा करवाए भाजपा के खिलाफ, भाजपा के थ्रू उधर से करवा रहे, भूमिका रची गई कि बोले भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी का केस कर दो, और जनता के बीच बोलेगा कि हम नहीं रह सकते, ये लोग तो सारा साजिश किया आपके खिलाफ हम लोगों के खिलाफ, लेकिन कोई लालच नहीं, ऐसी कुर्सी अगर मुख्यमंत्री का हमको पद मिलेगा जहाँ पे विचार से समझौता करना पड़े और आपकी लड़ाई को हम छोड़ दें, गरीबों की लड़ाई को छोड़ दें, तो 100 बार भी मुख्यमंत्री के पद को हम लात मारने को तैयार है, लेकिन आपके लड़ाई को हम लोग जो है लड़ने का काम करेंगे और अंतिम अंजाम तक पहुँचाने का काम करना है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहेंगे क्योंकि समय कम है, हम जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख पे होता है, सीधे फैसला होता है, उसका फैसला आप लोगों को करना है, बात समझ जाइएगा भाई, चुनाव वाला भाजपा के लोगों ने वादा पूरा नहीं किया तो फिर से दंगा फसाद करा करके भाई भाई में लड़ा करके नफरत फैला करके जहर भर करके जो है अपनी राजनीति को चंद फायदों के लिए पूर्ण लोगों का होता है दंगा फसाद, इससे बचने की जरूरत है। उसने हम कहना चाहते हैं एक चुटकुला चला हुआ था कि राम जी को रिच किया था स्वर्ग में, तो सीता मैया पुत्री प्रभु क्या हुआ, तो प्रभु राम जवाब देते हैं कि लगता है चुनाव पास में बीजेपी याद कर रही है, तो इससे तो कहने जाइएगा इस देश की आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका खून बहा है, सींचने का काम किया, तो उसके हम आप लोगों से आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद है ना हाथ उठा कर दीजिए, और एक नारा लगेगा नहीं है ना, जोर से लगाइएगा पीछे के लोग जितने लोग हैं उधर, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलना देश बचाओ, पक्का भाजपा भगाओ दोनों हाथ उठा करके पीछे से भाजपा भगाओ भगाओ तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, पंटू चाचा भगाओ, पंटू चाचा भगाओ, पंटू चाचा भगाओ, तो आपकी अनुमतियों को बुल्लू में डालने को विजय कमल एडवांस में पहला